गाइस वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो ऑफ द रिएक्शन गर्ल चैनल. सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होने भी चाहिए. सो गाइस सो सॉरी कि मैं वीडियोस नहीं ला रही हूं. आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट स्टिल गाइस प्लीज मेरे को माफ करना. मैंने सोचा था कि ना लाइव आऊंगी मैं, ठीक है, पबजी के लिए, और तो सोचा कि जल्दी से अपना आरपी को इंक्रीज कर लेती हूँ. उसमें मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया अपना, सच्ची में वो टाइम वेस्ट था, नहीं तो मैं उसको कहती कि मैंने अपना टाइम उसमें यूटिलाइज किया कि मैं अपना 100 आरपी कर लूँ, उसके बाद मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पर आप लोग के साथ में. एंड उसी के बीच में जब मेरी 95 आरपी हुआ और मेरे को ये सुनने को मिल रहा है कि पबजी बैन हो गया इंडिया, मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, लिटरली मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, कोरियन वर्जन में खेलेंगे. उसके बाद मैं पता लगा कि यार कोरियन वर्जन में भी नहीं खेल सकते. तो इस बीच में कैरीमिनाटी की जो वीडियो आई है ना, उसने मतलब मूड को तरोताजा कर देना है मेरे. मतलब क्या है ना कि बहुत जब से मैंने सुना है कि पबजी इंडिया में बैन हो रही है, पबजी इंडिया में बैन हो रही है, रिश्तेदारों के मैसेजेस, मैं लिटरली अगर स्क्रीनशॉट शेयर करने बैठी, दे वर आस्किंग पबजी बैन हो गया, अब सैलरी कहाँ से मिलेगा तुम्हारे को, मतलब इस टाइप में. तो मैंने कहा कि दीदी आप दे देना. जब न्यूज़ बस निकली ही थी, मतलब ऐसा पता ही लगा था कि मतलब पबजी बैन होने वाला है, मेरे को अभी तक पता नहीं लगा क्योंकि मैंने उस टाइम मतलब इंस्टाग्राम के मीम्स वगैरह स्क्रॉल नहीं करे थे. तो दीदी का फोन आया, हेलो क्या कर रहे हो बेटा. मैंने कहा कुछ देर बैठी हूँ. कह रहे तो तेरे को पता है पबजी बैन हो गया आपके लिए कि भाई साहब लिटरली जितना क्रेज लोगों को रिजल्ट टाइम का नहीं होता ना, कि मतलब रिजल्ट आया है तुम्हारा, रिजल्ट क्या है, उससे 5 times ज्यादा जो था उनका इस पे था कि भाई पबजी बैन हो गया है तो बच्चे अब आराम से रहेंगे. मेरे को समझ नहीं आता ना उनका पीसी का बिल आ रहा है, ना उनका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ना ही उनका वाईफाई का खर्चा, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, और ना ही उनकी कमर में दर्द हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के पीसी में मिलट पे गेम खेलने में. पता नहीं फिर भी उनको क्या दिक्कत है. सो सॉरी 2 मिनट मैंने इसी में वेस्ट करे, लेकिन बस मैंने वो अपनी राम कथा बताई कि क्या हुआ मेरे साथ इन दिनों में, तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं ला पा रही थी. तो अब देखते हैं कि कैरीमिनाटी की जो वीडियो है आइडल्स ऑफ इंडिया गॉन राइट, मतलब रॉन्ग कुछ नहीं हुआ है, सब राइट हुआ है. देखते हैं कि कैसी है ये वीडियो. मिनाटी की वीडियो का तो वेट बहुत ज्यादा मतलब रहता है, जैसे आप में से कुछ लोगों को रहता होगा मेरी वीडियो का, वैसे ही मेरे को कैरीमिनाटी की वीडियो का भी वेट रहता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हियर वी गो. हरियाली से घिरे नागपुर शहर में मैं आया हूँ ताकि हम यहाँ से कुछ सुरीले सिंगर्स और रसीले संतरे मुंबई ले जाएं. तो कैसे हैं आप लोग? अगर तुम एक सिंगर हो और इंडियन आइडल में नहीं गए तो लंड बराबर स्ट्रगल किया तुमने, पूरी शाम पूरी रात बिन छत छाया लौड़ा लस्सन के इंतजार करना ताकि अन्नू मलिक तुम्हारी गांड मार सके, इसे कहते डेडिकेशन. बचपन में मैंने भी सोचा था इंडियन आइडल पे जाने का, पर किस्मत देखो आज मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसे लोग असली मानते ही नहीं. मानते हो? नहीं मानते? खैर आज हम पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी. तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के. आइडल ये स्ट्रगल नहीं, चिलिंग चल रही है. अभी इसके दोस्त आ जाएंगे, ठर्रा खुल जाएगा, पत्ते बिछ जाएंगे, और जब रिजेक्ट होगा तो यही लेट के बोलेगा भाई आ जाओ ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हप अभी खिलाफ ससुरी कोलंबियन डांस बहन चोत ससुरी. इसकी कोलाबा में इल्लीगल डांस फैक्ट्री है जहाँ पर ये चिट्टा बेचने के साथ कोलंबियन जुम्पा रुप्पा सिखाता है. पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, पड़ोसी चूल्हा फेंक के मारेगा, औंधे मुँह जाके गिरेगा, ये क्या तरीका आग मांगने का. आग ले ले. और इसका फैशन देख रहे हो, स्टाइल बाय मोनू डार्लिंग जी. स्टाइलर खानदान है हमारा, मैं स्टाइलर, मेरे दोनों बाप स्टाइलर और बच्चे जी ब्लॉगर है. आइए स्टाइल दिखाता हूँ आपको. ये रणबीर वाला है जी मालिक. हाथ जितना ठोको उतना कम. चूतिया कुछ भी पहन लेता है. जी हो गया ये पंख तियार. अलबेलों का मस्तानों का मेरा देश का यारो, मेरा देश का यारो क्या कहना. ये ऑडिशन हो रहा है, ऑफिस पार्टी चल रही है, बॉस बैठ के ताली बजा रहा है और ये एम्प्लॉई ऑफ द मंथ क्या झटकी ले ठुमके मार रहा है. इसको ऑफिस में नाम टुम्बकटू है. और ऐसे किसी के साथ भी चेस्ट टू चेस्ट करने में अजीब नहीं लगता. मुझे करना पड़े मैं तो कछुए की तरह सिकुड़ जाऊंगा.
ऑडिशन गया चाइना, ये है दीवाने ए खास, कव्वाली चल रही है, ताली बज रही है और इसको देखो। भाई को चाहिए अटेंशन, भाई को करनी शादी, भाई को मिलती एक भी लड़की नहीं। इसके लिए तो खास बुरा लग रहा है मुझे, ये बौखला गया है। मैं फोन देखूं, मैं ताली बजाऊं या फिर अभी भी वक्त तक कॉलेज चला जाता हूँ, मैं चुदा सपने भूल जाना जाना मुमकिन नहीं। हाय 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 हाय, क्या छेड़ा है, क्या हरकत पकड़ी है, पसीने आ रहे हैं, आंखें खुल नहीं रही है। अरे क्या गाँव में शूटिंग चल रही है। तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। अब तो डर लगता है साला, फॉर्म भर दो तो घर ही ना आ जाओ ऑडिशन लेने। एंड द बेस्ट ये मैं हूं। क्यों है तू इंडियन आइडल? सारी जान तो मैं हूं में निकाल दी, अंत में ढीला पड़ गया बेंच। इसे देख के मुझे उनकी याद आ गई जो मास्क को नाक के नीचे पहनते हैं। खैर पूरा भी चढ़ा लो तब भी कोई फायदा नहीं है, नॉर्मल मास्क नॉर्मल फिल्टर के साथ आता है जो तुम्हें पुलिस से बचा सकता है कोरोना से नहीं। उसके लिए तुम्हें चाहिए जो भाई ने पहन रखा है, ओरिजिनल N95 मास्क। ये है आर्टिक फॉक्स का N95 गोल्ड सीरीज मास्क। इसमें 5 लेयर्स का एडवांस फिल्टर सिस्टम है जिससे 99.4% पॉलिटेंट्स और वायरस फिल्टर हो जाते हैं। इसका इलास्टिक भी काफी सॉफ्ट है जिससे कानों में दर्द नहीं होता, खासकर मेरे जैसे जिनके 4 आंखें हैं। ये प्रीमियम है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में आता है, तो अपने हिसाब से देख लेना। 30% डिस्काउंट का भी जुगाड़ करवा, कोड डाल देना कैरीमिनाटी 30। और सबसे जरूरी ये है, भाई रुक जा। अरे ये क्या हो गया क्रिस्को, इसका जादू नहीं चल रहा है क्या? इसे तत्काल में बॉनविटा की ड्रिप चढ़ाओ वरना ये यहीं भस्म हो जाएगा। एल्पली में क्या इसकी जुबान मीली मार रही है, इसे एक नया जादू चाहिए। अब इंडियन आइडल के ऑडिशन सिर्फ इंडिया में नहीं होते, अब हम आए हैं द ब्रिज लंदन। लंदन के अनारा है तो पक्का कुछ बहुत ही यूनिक और हटके करेंगे। हमरा बात सुनिए तनिक। अरे भाई अन्नू मालिक, भाई अन्नू मालिक बेबे को जाके कह दो बिट्टू ने हक दिया है। अंग्रेजों के जमाने से पूछते लंदन में रह रही है, रिजल्ट देख लो, लिरिकली क्रिमिनल भोजपुरी सरदार। आ जाओ वापस आ जाओ, हो लिया लंदन। बड़े बड़ों जैसा काम करते हैं, आइए। ये मेरे घर है, आइए। ये मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, और ये है मेरी तिजोरी। तब दिखा दो कहाँ क्या रखा है। इंडियन आइडल ने पता नहीं कितने चोरों की जिंदगी बनाई होगी, हमें तो सिर्फ एक ही पता है। और ये बस इसी पे नहीं रुकते, पूरा डे ना लाइफ चलता है। पुरानी फोटो, एक और पुरानी फोटो, किताब पढ़ने की एक्टिंग, फिर पापा के साथ जैमिंग। और ये तो चलो तब भी सिलेक्ट हुई थी। हम लोग वैसे भी सिलेक्ट होने के ख्याल से नहीं आए थे, कुछ दिल में जज्बा था आप लोगों से मिलने का, स्पेशली उदित जी से मिलने का और यहाँ तक आने का। क्या बात है, चलो अब अपना घर दिखाओ। इंडियन आइडल को अनजान घर में घुसना बहुत पसंद है, बल्कि जब तक डीओपी टेरेस पे जाकर सुट्टा ना मार ले तब तक रसम पूरी नहीं होती। इनके लिए सब स्पेशल है, किसी की नाक हल्की सी टेढ़ी है उसे वहीं पकड़ लेंगे। चल चल घर चल, इतिहास बता अपना, कब से गलत सुन रहा है तू। वाह सलीम भाई वाह, आपका बहुत मैं देखता था। चलो खुदा हाफिज़। ठीक है चलें। ओके खुदा हाफिज़, बाय बाय बाय। अरे सडननेस, ये देख लो हिमेश रेशमिया स्कैमर एडिशन। इस काम के लिए जितने पैसे दिए जाए उतने ज्यादा हैं। और अभी तो रुको, अन्नु मलिक करने वाला है एक्टिंग। अभी मत करना ऐसा, हमारी नाक चोरी करता है, मजाक चल रहा है इंडियन आइडल। सुनो ओए ओए ओए, क्या चल रहा था इतनी बकचोदी की, वो जो चुरा के भागा और नहीं ये तुम्हारे पास। लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि शो में अन्नू मलिक है, लिटरली हर 2 सेकंड में ये ये काफी थोड़ी ना है। जब तक अन्नू मलिक ऑडियंस की गांड में नहीं घुस जाता तब तक सीजन कैसे खत्म हो सकता है। ये 3 तो तब भी ठीक है, बीच वाली तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गई। क्या अन्नु व्हाट यार, यूट्यूब से बढ़िया स्किट्स तो इंडियन आइडल पे मिल जाती है। Mind your business. No one robs this. This is very important in Indian Idol. Indian Idol करना का मजाक नहीं है।
बिल्कुल मजाक नहीं है इंडियन आइडल, सब सीरियस काम होते हैं यहाँ पे। मेहंदी वाले गत्ते ना करी नहीं जाने उड़ के ना शेनु मेहंदी अख मजाक भी चल रहा है इंडियन आइडल। अन्नू मलिक बैड लक पता है कैसे पकड़ता है? ये बात बोतल पे लिख के फेंक दो नदी में। अन्नू मलिक वो टूटता तारा जिसे देख के कोई इच्छा नहीं मांगता। अन्नू मलिक वो सुर है जिसके अरिजीत लोड़े लगा चुका है। अन्नू मलिक वो एग्जाम है जिसका रिजल्ट अभिजीत सावंत है। अन्नू मलिक वो पार्टी है जिसका डीजे बॉबी है। अन्नू मलिक तानसेन होता तो अकबर उसे चिनवा देता, और अगर अन्नू मलिक मुंबई होता तो डूब जाता बहनचोद। तो यार बस आज का क्रियाक्रम यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें भी बॉम्बे जाना है तो लाइक मारो, और अगर तुम पहले से बॉम्बे में रह रहे हो तो तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए, जा तो नहीं होगा। और आर्कटिक फॉक्स की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पे फटाफट जाओ ठीक है, और कोड डाल देना याद से कैरीमिनाटी 30, डिस्काउंट जरूरी है यार। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय मोहित, प्ले दैट शिट। तुम हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूं पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की जो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। यू हैव एवरी चांस ऑफ कमिंग एट द टॉप 5 ऑफ इंडियन आइडल इफ यू वर्क हार्ड। आए तो हो तुम सबके लौड़े, बड़े लौड़े लग जाए। मेरा तो हो गया। हाथ तो पूल। तो गाइज वीडियो इज ओवर, माइंड ब्लोइंग था। इसके अंदर अन्नू मलिक के बारे में बताया कि अरिजीत ने कैसे अन्नू मलिक के साथ में जो कुछ भी किया, मतलब अरिजीत ने नहीं किया इनडायरेक्टली, डायरेक्टली जो भी कुछ अन्नू मलिक के साथ हुआ। एंड अभी जो लास्ट सीजन था उसके अंदर भी अन्नू मलिक को 20 शो से निकाल दिया गया था एंड ऑल, क्या रीजन बींग उसका था आई डोंट नो। बट स्टिल कैरीमिनाटी की बात सुनकर यूँ लगता है कि अन्नू मलिक की बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब बेइज्जती हो रही है मार्केट के अंदर, तभी कैरीमिनाटी तक ने उसकी वीडियो वगैरह बनाई है। एंड स्टिल अन्नू मलिक वॉज लाइक यार सेट पे जाके सबको डांट रहा है यार, ऐसा थोड़ी करता है कोई, ठीक है अगर बंदे नहीं आएंगे, कंटेस्टेंट्स नहीं आएंगे ठीक है, तो तुम्हारा इंडियन आइडल शो चल कहाँ से जाएगा। लिटरली यार मतलब हद है। सो गाइज वीडियो तो माइंड ब्लोइंग थी, कॉमिक सेंस सब चीज बहुत अच्छा था। और थैंक यू आपने मेरा वीडियो देखा, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं, आपने पहली बार देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहे। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गाइज जरूर से करना, वो मेरा न्यू इंस्टाग्राम पेज है, पुराना वाला जो इंस्टाग्राम पेज था वो डिलीट हो गया, आई डोंट नो कि मैंने वो क्यों करा, बट स्टिल वो इस दुनिया में और ज़्यादा नहीं रह सकता जैसे कि अन्नू मलिक इंडियन आइडल में, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।